Hello everyone, this is the fourth lecture of the chapter, The Ailing Planet, Green Movement's Role. We were discussing how humans are responsible and how overpopulation is disturbing the four biological systems of our earth. And after that we discussed that how forests are decimating, how fisheries are collapsing and everything. And now today we'll continue the chapter, okay. It has been well said that forests precede mankind, desert follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, जैसे इट हैज़ बीन वेल सेड, बहुत खूब कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रिसीड्स मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो. फॉरेस्ट प्रिसीड्स मैनकाइंड, प्रिसीड का मतलब होता है घटना, पीछे रह जाना. प्रिसीड्स मैनकाइंड, जहाँ जहाँ ह्यूमन बीइंग जाता है वहाँ वहाँ फॉरेस्ट क्या होता है, घटता जाता है. जहाँ जहाँ ह्यूमन बींग्स के कदम पड़े हैं वहाँ वहाँ फॉरेस्ट घटता जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन जाएगा, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, वो फॉरेस्ट काटेगा, जगह क्लियर करेगा, या तो घर बनाएगा वहाँ पे, फैक्ट्रीज बनाएगा, सड़कें बनाएगा, वो जहाँ भी जाएगा ह्यूमन बींग, वहाँ वहाँ से फॉरेस्ट ख़त्म होते जाएंगे, प्रिसीड होते जाएंगे, घटते जाएंगे. एंड डेजर्ट फॉलो, डेजर्ट पीछे पीछे आएगा, क्योंकि जिस दिन ह्यूमन बींग का ज़रूरत वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वो उस जगह को, सपोज़ एक जगह है, इस ये पूरा एरिया है, यहाँ पे ह्यूमन बींग आया, बहुत सारे फॉरेस्ट थे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए थे, ह्यूमन बींग आया, यहाँ पे एक घर बनाया, यहाँ पे भी पेड़ था, समझो यहाँ ह्यूमन बींग को जगह नहीं मिली, उसने पेड़ काटा और यहाँ पे घर बनाया, ठीक है. उसको मन किया, अब मैं अकेले रह के क्या करूँगा, किसी और को बुलाता हूँ. दूसरा ह्यूमन आएगा, यहाँ घर बनाएगा. तीसरा आएगा, फैक्ट्री बना दिया, अब रहने के लिए सड़क चाहिए. चौथा आया, वो भी कुछ दूर, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कुछ सेंटर्स चाहिए, शॉपिंग मॉल चाहिए. बनाते बनाते ये एरिया को क्या किया, खाली कर दिया. जिस दिन उसकी ज़रूरत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है, जब खाना पीना मिलना इसको बंद हो जाएगा, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा वो, ये पूरा कंट्री बस गया था, ठीक है. अब यहाँ पे जब चीज़ें ही नहीं मिल रही, रिसोर्स जब ख़त्म हो जाएगा कुछ हज़ार साल बाद, ये क्या हो जाएगा, जगह बंजर हो जाएगी, ये सिर्फ डेजर्ट रह जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा ये, और यहाँ से ह्यूमन भी कहीं और चला जाएगा. इसकी पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी, इसकी जो आने वाली पुश्तें होंगी, नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पानी नहीं है, या ये नहीं है, या वो नहीं है, चलो और जगह चलते हैं जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ पानी ईजिली अवेलेबल है, तो वहाँ जाके घर बनाएगा, और ये जगह क्या रह जाएगी, महज एक डेजर्ट रह जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये क्या चल रहा है कि फॉरेस्ट को मैनकाइंड फॉलो कर रहा है, मैनकाइंड फॉरेस्ट को फॉलो कर रहा है, और जहाँ जहाँ मैनकाइंड जाता है वहाँ वहाँ फॉरेस्ट ख़त्म होते जाते हैं, घटते जाते हैं, और डेजर्ट फॉलो करता जाता है, रेगिस्तान उस पीछे से वहाँ आ जाता है. लिटरली रेगिस्तान नहीं आता है, मतलब उस जगह को रेगिस्तान बना देता है वो. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. The world's ancient patrimony, patrimony का मतलब होता है पिताजी की property, ऐसी property जो हम लोग को, मेरे दादाजी को उनके पापा से मिली होगी, उनके पापा को उनके, उनको उनके पापा से, फिर उनको उनके पापा से, मुझे अपने पापा से, इस तरीके से. तो जो बपौती प्रॉपर्टी होती है, जो पिताजी की प्रॉपर्टी होती है, विरासत में जो मिलती है, उसको कहते हैं पैट्रीमोनी. तो जो वर्ल्ड का जो एंशियंट पैट्रीमोनी है, मतलब अर्थ को बोला गया, वर्ल्ड का जो एंशियंट पैट्रीमोनी है, जितने भी लैंड हैं, उसको तो ह्यूमन बींग ने यही समझ के रखा है ना, कि हमें हमारे दादाजी ने दिया, हमें हमारे उनके दादाजी ने दिया, तो ये हमारी पैट्रीमोनी है, ये हमारी पूर्वजों की जागीर है. और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की जा रही है. अब वो, ये जो पैट्रीमोनी है, वो इस रेट से, इस स्तर से क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है. इरोड का मतलब बह रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. जब पानी किसी चीज़ को बहा के लिए जाती है ना, तो उसको इरोजन कहते हैं, इरोड हो जाना, ठीक है. तो जिस स्पीड से
कट रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो वो इरोड होता जा रहा है एट द रेट ऑफ 40 to 50 million एकर्स अ ईयर. हर एक साल में 40 to 50 million एकर्स लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खाली होते जा रहे हैं. 40 to 50 million एकर्स अ ईयर, 40 to 50 million एकर्स हर साल पर ईयर. ये क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का डेटा है कि हर साल इतने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं. ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हर साल इतने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है, इतने एरिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉयल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. और डंग, काउडंग और अलग अलग तरह के जो गोईठा और ये सब चीज़ें को का जो यूज़ है, और जो बचे कुचे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको जला दिया जाता है जगह को खाली करने के लिए. उसके वजह से क्या हो रहा है कि या गार्बेज वगैरह को जलाने की वजह से जो सॉयल है उसका जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो ख़त्म होता जा रहा है. चलो फॉरेस्ट कटा तो कटा, कम से कम सॉइल में तो फर्टिलाइज़र था, फर्टिलिटी थी, उपज था, उनमें क्वालिटी थी, गुण था, ठीक है. लेकिन जिस रेट से वहाँ जो गंदगी जलाई जा रही है और आलतू फालतू जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए जो इको फ्रेंडली नहीं है, उन सारी चीज़ों को जब जलाया जाता है उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है, वो गुण ख़त्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. ये सब सोच करके अगर आप इसको गहराई में सोचो तो इट कैन लीड यू टू डिप्रेशन. सीरियसली आई एम टेलिंग दिस लिटरली, दैट अगर आप इस चीज़ को सोचने पे बैठो तो आपको कल्प्रिट वाली फीलिंग आएगी, गुनहगार वाली फीलिंग आएगी. देखो, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि जिस स्पीड से कट रहा है ना फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अगर एक बार में इसका 5 गुना करके, इसका 5-fold मतलब इसके 5 गुने स्पीड से अगर फॉरेस्ट लगाया जाएगा ना, प्लांट लगाया जाएगा, तब जाके कहीं जो फ्यूल वुड का नीड है तब उसको पूरा किया जाएगा. कब? 2000 में. यानी कि 21st century में जिस जो पॉपुलेशन होगी उसका जो डिमांड होगा फ्यूल वुड का, हम लोग को गैस चाहिए जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, फॉर फैक्ट्रीज़ में फॉर उतने भट्टी चलता है, फर्नेस होता है, वो सब जलते हैं क्योंकि बिना आग के तो कहीं काम नहीं होता है. कोई भी चीज़ पक रहा है, उतना हीटर, उतना हीट चाहिए सब चीज़ के लिए, तो जलावन होता है. तो उस फ्यूल वुड का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए 2000 तक, यानी कि जो 21st century चल रही है अभी का एस्टिमेट किया था वर्ल्ड बैंक ने कि इस समय तक अगर इसी स्पीड से अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कटता रहा तो इसका 5 गुने स्पीड से फॉरेस्ट लगाना होगा, प्लांट लगाना होगा, तब जा कर के 2000 यानी कि 21st century में हम लोगों का ये जो नीड है, डिमांड है फ्यूल वुड का, वो जा कर के कहीं पूरा हो पाएगा. ऐसा हुआ नहीं, ठीक है. इसीलिए CNG, नेचुरल LPG और ये सब चीज़ें लाई आई हैं मार्केट में, जो कि उतनी महंगी हैं, ठीक है. James Speth, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." एक प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है James Speth. James Speth. ये अगले दिन बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, जहाँ पे दुनिया भर के जो रिसोर्स हैं वहाँ के पढ़ाई स्टडीज़ की जाती है, ठीक है. वहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बोला कि वी आर सेइंग, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वी आर लूजिंग, कि हम लोग खो रहे हैं फॉरेस्ट को एक सेकेंड में एक एकर. यानी उन जो स्टडी चल रही थी उसके हिसाब से पता चला कि जो फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड जो है, जो धरती है, वो एक सेकेंड में एक एकड़ फॉरेस्ट खो देती है.
ठीक है, एस्टिमेट के हिसाब से ऑन एन एवरेज बता रहे हैं वो कि हर सेकेंड एक एकड़ फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उनके हिसाब से वो बताते हैं कि नहीं, एक एकड़ आधे सेकंड में, हम लोग बहुत नज़दीक हैं उस जगह पे, बहुत वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि हम लोग एक एकड़ लैंड आधे सेकंड में खो रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए कितनी डरावनी बात है कि आधे सेकंड में, मतलब आप पलक झपकाते हो और कहीं पे आधा एकड़ लैंड जो है वो क्लियर हो गया है। इसको इस तरीके से सोचना नहीं है कि एक एकड़ लैंड मतलब आप पलके झपके और एक एकड़ लैंड एक जगह पर क्लियर हो गया, नहीं। दुनिया के हर पार्ट में लैंड क्लियर हो रहा है ना, दुनिया के हर पार्ट में कहीं ना कहीं भी पेड़ कट रहा होगा, हर पार्ट में। आप हजारीबाग को ही देख लो पहले, जिसको हजार बाग लैंड ऑफ थाउजेंड गार्डन्स बोला जाता था, अभी क्या है कि यहाँ पे गार्डन छोड़ दो, मुझे कोई एक ढंग का पार्क नहीं नज़र आता है जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, ठीक है, ट्रीज हो, जहाँ पौधे बहुत हैं, ट्रीज की बात की जा रही है, नहीं है। तो लैंड ऑफ थाउजेंड गार्डन में ही जब नहीं है तो फिर छोड़ दो, जिसको हजार बाग का जगह बोला जाता था। तो सोचो कि ट्रीज़ किस स्पीड से कट रही हैं, ये नहीं कि एक ही जगह पे एक एकड़ लैंड एक सेकंड में क्लियर कर दिया जाए, नहीं। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में हर जगह पे डिफॉरेस्टेशन चल ही रहा है, ठीक है। जब आप पलके झपकाते हो तो कहीं पे उतने देर में वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में करीबन एक एकड़ लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर में जो भी डेटा, जो स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आर्टिकल 84A, ठीक है, ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें हर एक आर्टिकल हमारे संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो ह्यूमन का फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको कर्तव्य है, करना है उसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं। और ये सब क्या है, यू कैन से ये सारी चीज़ों को का पालन हम लोगों को करना है, ये लॉज हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, ये आर्टिकल क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इस आर्टिकल के तहत जितने भी इंडियंस हैं उनका क्या कर्तव्य है, उनका क्या प्रयास होना चाहिए। एंडीवर का मतलब होता है प्रयास, ENDEAVOUR, एंडीवर। तो एंडीवर का मतलब प्रयास, क्या प्रयास होना चाहिए इंडिया के सिटीजन्स का, कि हमारा जो वातावरण है उसको हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है उसको और अच्छा बनाना है, एंड टू सेफ गार्ड, बचाना भी है, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। जितने हमारे फॉरेस्ट हैं और जो हमारे आसपास वाइल्ड लाइफ हैं, उसमें डॉग आता है, स्ट्रे डॉग्स, जो सड़क के कुत्ते होते हैं वो भी आते हैं, जो हर दिन आपको सड़क पे कुचले हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो क्या ही सेफ गार्ड किया जा रहा है उनको, वो तो हमारा लॉ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जाने, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, हर एक सिटीज़न का प्रयास होना चाहिए कि हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने फॉरेस्ट को, सब कोई को प्रोटेक्ट करें, सेफ गार्ड करें, बचा के रखें और इम्प्रूव भी करें, ठीक है। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected and not forced in India. कितनी शर्म की बात की कही गई है यहाँ पे, कितनी शर्मिंदगी की बात कही है यहाँ पे, कि लेकिन सबसे गुस्से की बात क्या है, But what causes endless anguish, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है, यहाँ पे जो जिन्होंने लिखा है ये लाइन वो ये बात बोल रहे हैं कि तब सबसे गुस्से वाली बात क्या है कि इंडिया में ना ही कोई लॉ का रिस्पेक्ट किया जाता है और ना ही कोई लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, ना ही उसका पालन होता है, ठीक है, ना ही उसका की इज्जत है, ना उस लॉ की और ना ही उसका पालन है। और ये बात सही भी है कि अगर ये लॉ है तो फॉरेस्ट को काटना क्यों अलाउ किया जाता है, क्यों कहीं भी क्या सड़क पर रहने वाले जानवर जानवर नहीं है, क्यों उनको मारने पे कोई किसी को केस नहीं होता है या किसी को कोई कड़ी सज़ा नहीं मिलती, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फाइन नहीं है,
क्यों हर दिन ट्रक जो है वो एक दिन में 50-100 डॉग्स आपको सड़क पे कुत्ते मरे हुए नज़र आते हैं, तो क्या वो लाइफ इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है? क्या वो अर्थ का एक बायोलॉजिकल पार्ट नहीं है? हैं, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि लॉ से किसी को डर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ लिख दिया गया है लेकिन ना ही इसको रेस्पेक्ट किया जाता है, ना ही इसको इन्फोर्स किया गया है। और ये कितनी शर्मिंदगी की बात है एज एन इंडियन ये सुनना, कोई लिख रहा है इसके बारे में ऐसे। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल भी देते हैं वो, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 40 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया में कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ों को अबॉलिश कर देना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है, बिल्कुल ही ये सब का यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें फ्लरिश कर रही हैं दिनों दिन, तो ये बढ़ रही हैं, ये फल फूल रही हैं, और शेमलेसली क्योंकि लोगों को डर नहीं है। 40 साल हो गए हैं, 44 years, इस किताब के हिसाब से 44 years हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई होते हुए, ठीक है, इस किताब के हिसाब से। अभी अभी हमने रिपब्लिक डे मनाया है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही लागू हुआ था, तो उस समय से आप देख लो कि अभी तक कितने साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन हम लोगों का क्या कर्तव्य रहा, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें लिखी हैं, लिखा हुआ है, वो उसका उल्टा, जो भी चीज़ें लिखी हुई कि ये नहीं करनी चाहिए वो उल्टा ही फ्लरिश होता है, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं कि ये नहीं करना है वो सारी चीज़ें क्या हुई हैं, फ्लरिश हुई हैं। तो हाँ, जैसे कि अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, रोक लगाना, ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में मना किए जाने के बाद भी वो चीज़ें शेमलेसली, बहुत शर्म की बात है कि वो बेशर्मी से उस चीज़ फ्लरिश। और आप छोटे चाइल्ड लेबर ये है, अबॉलिश्ड है, मतलब एक हीनियस क्राइम है, आप उसके लिए एक बहुत सीरियस क्राइम है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। हर स्टॉल पे, हर इतने सारे लाइन होटल्स हैं, सब जगह पे जाकर के आप देख लो कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको कप उठाते हुए, आपको टेबल साफ़ करते हुए, बर्तन धोते हुए नज़र आते हैं। तो क्यों, ये तो बैन होना चाहिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल ऑफेंस है, तो फिर ये क्यों हो रहा है और शेमलेसली हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है? लोग छोटे छोटे बच्चों को अपॉइंट करते हैं, उनको रखते हैं फोर्सफुली, कम पैसे में काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो किसी को उसका डर है, क्योंकि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है। उसी तरीके से जगह जगह पर फॉरेस्ट कट रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट क्यों कट रहा है? जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो क्या कर रही है फॉरेस्ट, ठीक है? क्यों इतने सारे फॉरेस्ट कट जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ही ऑर्डर देती है कि यहाँ पे ये लैंड खाली होना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री बनेगा, ये लैंड खाली होना चाहिए, यहाँ पे फलाना चीज़ बनेगा, ये लैंड खाली होना चाहिए, यहाँ ये बनेगा। तो गवर्नमेंट ही तो काट रही है फॉरेस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सारी चीज़ें बनाने के लिए मना कर देना चाहिए या वो सारी चीज़ें नहीं बननी चाहिए, लेकिन उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए कि आप जो चीज़ को ख़त्म कर रहे हो या उसको कहीं और बनाया जाए या उसका बचाव किया जाए, या उसके बदले में आप 10 साल का प्लान होगा आपका, 10 साल पहले तो आपने सोचा होगा कि बनना है, तो आपने 10 साल पहले प्लांटेशन क्यों नहीं दूसरे जगह पे किया? उतने पेड़ जितने कटने थे उससे ज़्यादा आप लगा देते और 10 साल में वो पेड़ बहुत बढ़ जाता। कोई भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का होता है, ऐसा नहीं कि वो कल बना, आज बिल पास हुआ और परसों से बनना शुरू हो गया। आप राम मंदिर को ही देख लो ना, इतने साल हो गया बंद, तो उसके लिए उतना जगह, ये सारी चीज़ें सब कुछ खाली की गई, कितना कितना फॉरेस्ट, कितना लैंड लिया गया, तो उसके बदले में क्या, उतने सारे फॉरेस्ट जो क्लियर किए गए, जगह जगह को खाली किया गया, तो वो उतना उसका भरपाई कौन करेगा?
मंदिर तो बन जाएगा, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके बदले में ये एक दिन में पास नहीं हुआ, आज तक वो बनना शुरू नहीं हुआ या बन रहा है, और कितना लंबा प्रोसेस है। तो बहुत समय से वो चालू होगा बनना, बहुत समय से बातें हो रही होंगी, तो एक दिन का तो काम नहीं है। तो गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ में 5-6 साल 10 साल लग जाता है। तो आप जब जानते हो कि आपके दिमाग में वो चीज़ है कि ये चीज़ बननी है, उसमें इतना जगह लेगा, तो उतने जगह को क्लियर करना भी होगा, उतने जगह के लिए फॉरेस्ट काटना होगा, तो आप जितना कटना है उतने को पहले लगा करके रखो, ठीक है। तो जब वो कटेगा, कम से कम कुछ तो उसके लिए स्टेप लिया गया होगा, कम से कम ये तो होगा कि हाँ, उसके जो हमने नुकसान, जो हम एनवायरनमेंट को पहुंचा रहे हैं, उसके बदले हमने कुछ कर रखा है, ठीक है। तो ये इतना शेमलेसनेस, इतना शेमफुल नहीं होगा हमारे लिए। ओके, अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट डिप्लीशन अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटेस्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डेकेड। अभी तक हम लोग कहाँ की बात कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे, लेकिन इस पैराग्राफ से हम लोग सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट का एक एस्टिमेट रिपोर्ट आया कमिटी का, उसमें हाईलाइट किया गया कि एक कैटेस्ट्रोफिक डिप्लीशन, कैटेस्ट्रोफिक डिप्लीशन का मतलब विनाशकारी कमी, कैटेस्ट्रोफ का मतलब होता है विनाशकारी, डिप्लीशन का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो एक अलार्मिंग, एक समझो कि ये हड़काने वाला या एक धक्का पहुंचाने वाला या एक बहुत डिजास्ट्रस एक डिप्लीशन हो रहा है इंडिया के फॉरेस्ट में। कैटेस्ट्रोफिक मतलब एक विनाशकारी घटाव आया है इंडिया के फॉरेस्ट में ओवर द लास्ट 4 डेकेड, आखिरी के 40 सालों में। 4 डेकेड का मतलब, 1 डेकेड का मतलब होता है 10 साल, 1 डेकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, यानी 4 डेकेड इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। तो आखिरी के जो 40 साल रहे हैं, ये हम लोग का जो रिपब्लिक डे था वो 74th था, ठीक है। तो 74th, और यहाँ पे लिखा हुआ है 44 ईयर्स फ्रॉम द ऑपरेशन, यानी कि कुछ 30 साल पहले ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये आर्टिकल जब लिखा गया है तो वो कब था, 1994 में, ठीक है, और आज है आपका 23rd, तो वही 29-30 साल पहले ये आर्टिकल को लिखा गया है, और आज हम लोग 74th रिपब्लिक डे मनाए हैं, यानी कि है ना। तो सोचो कि 30 साल पहले ये आर्टिकल लिखा गया है, 30 साल पहले इसमें 40 साल की बात की गई है, कि 30 साल पहले का रिपोर्ट है कि 40 साल पिछले 40 साल में कैटास्ट्रोफिक डिप्रेशन हुआ है, तो अभी तो वो 70 साल हो गया ना। अभी के हिसाब से देखें तो जब ये आर्टिकल लिखा गया है, उस समय जो आप पार्लियामेंट का रिपोर्ट था उसमें बोला गया है कि पिछले 40 साल में जो डिप्लीशन आया है वो कैटेस्ट्रोफिक है, विनाशकारी है, इंडिया के फॉरेस्ट में जो डिप्लीशन आया है, इंडिया के जो वन हैं, जंगल हैं, उनमें उनका जो कटाव हुआ है, उनमें जो डिप्लीशन घटाव आया है वो विनाशकारी है। तो अभी 70 साल हो गए, आज के डेट के हिसाब से इस रिपोर्ट को 70 साल हो गए, तो अभी सोचो क्या हुआ होगा, ठीक है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. आज के डेटा के हिसाब से, रिलायबल डेटा मतलब जिस पे भरोसा किया जा सकता है, वैसे डेटा के हिसाब से इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया 3.7 million acres हर साल खो रहा है लैंड, 3.7 million acres हर साल इंडिया अपना फॉरेस्ट का खो दे रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े एरिया हैं जिनको ऑफिशियली फॉरेस्ट बोला जाता है। अब आप यहाँ से देख रहे हो, आपको 4 पेड़ नज़र आ रहा है और 4 पेड़ के उधर फिर गांव या शहर बसा हुआ है, तो वो फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा। फॉरेस्ट का मतलब होता है इतना घना होना कि आप इस पार से उस पार जा ना सको पैदल, ठीक है। वो इतना घना होना चाहिए, उसको लार्ज एरिया पहले सिर्फ फॉरेस्ट होता था, ठीक है। ये पूरा इतना, एक शहर जितना एरिया सिर्फ फॉरेस्ट कवर्ड होता था, तो जिसको ऑफिशियली फॉरेस्ट बोला जाता था। जितना बड़ा भी हज़ारीबाग है, एक टाइम था हज़ारीबाग में सिर्फ इतने जंगल थे,
ये जो पूरा हजारीबाग अभी आपको जितना दिखाई दे रहा है, ये एरिया पूरा सिर्फ जंगल था, एक ऐसा समय था। तो इतने बड़े बड़े एरिया को सिर्फ पूरा फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था कि ये डिजिग्नेटेड थे, इनका नाम था जंगल फॉरेस्ट। अभी इसको आप जंगल नहीं बोल सकते हो, आप चार पेड़ जहाँ लगे हुए हैं वो बड़े बड़े, उसको आप जंगल नहीं बोल सकते हो। ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। और आज आपको यहीं से दिखाई दे देगा दूर से ही कि वहाँ तो ट्री है ही नहीं, वर्चुअली ट्रीलेस है वो लोग, दूर से ही दिख रहा है कि पेड़ वहाँ पेड़ ही नहीं है। ठीक है, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। और एक्चुअल रेट जो है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट के घटने का, वो एस्टिमेट किया गया है कि 8 गुना, 8 गुना गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो 8 गुना इंक्रीज कर गया है। सोचिए, 1-2 नहीं 8 गुना इंक्रीज हो गया है। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वॉन्स दैट द एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। और एक 3 साल की स्टडी जो सैटेलाइट से और एरियल फोटोग्राफी से की गई, एरियल फोटोग्राफी का मतलब होता है हवा में ड्रोन और ये सब जो चीज़ें सैटेलाइट से जो फोटोज़ को कैप्चर किए जाते हैं, तो उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन ने 3 साल स्टडी किया, सब कुछ को पढ़ा, अच्छे से ध्यान दिया, रिसर्च किया, तब जा कर के ये पता चला कि एनवायरनमेंट को एक वार्निंग की ज़रूरत है। ठीक है, एक सूचना की ज़रूरत है, ये देने की ज़रूरत है, ये आगाह करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट का स्थिति ख़राब हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग वातावरण को घटा रहे हैं, ये एक ऐसा समय आएगा कि इतना नाजुक हो जाएगा कि 88 कंट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट्स, जो 88 कंट्रीज, टोटल 195 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें से 88 कंट्रीज़ में की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट का डिक्लाइनेशन के हिसाब से, कि जैसे वो पहले था। देखो क्या होता है ना कि कहीं पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिच होती है, सपोज़ कहीं पे कोयला निकला, ठीक है, कहीं ज़मीन में पता चला कि यहाँ पे कोयला है ज़मीन के अंदर, या कोई बहुत रिच सोर्स ऑफ मिनरल है वहाँ पे, तो उस जगह को क्या किया जाता है, ज़मीन, जब ज़मीन के अंदर डंपिंग वगैरह होने लगती है तो उस पूरे जगह पे ब्लास्टिंग होती है, तो वहाँ सिर्फ ज़मीन के अंदर की चीज़ें नहीं निकलती हैं, उस पूरे जगह को उजाड़ दिया जाता है, वहाँ प्लांट जाते हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म होता है वहाँ पे। तो सोचो कि इस तरीके से बहुत सारे जो ऐसे रिच सोर्सेज ऑफ कंट्री थे, रिच रिसोर्सेज ऑफ कंट्री थे, 88 कंट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया यूनाइटेड नेशन ने, तब जा करके 3 साल की स्टडी रेडी की और बताया कि आने वाले सालों में ये जो 88 कंट्रीज़ हैं, इनकी स्थिति एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत नाजुक हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन कंट्रीज़ को क्या किया जाए, वार्न कर दिया जाए, या एनवायरनमेंट, इनको स्टेप्स लेना होगा एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली बनने के लिए, या चीज़ों को बचा बचा के यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज को, ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप्स लेना होगा जिससे अभी भी जो बचा कुछ एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, अच्छे से संभाल के रखा जाए। आप नहीं, ह्यूमन बींग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज एनवायरनमेंट इस स्थिति में है कि उसको एक छोटे बच्चे से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। एक छोटे बच्चे को जिस तरीके से बाहर की हर एक चीज़ से बचा के रखा जाता है, उसी तरीके से हमारे पास जो रिसोर्सेज बचे हुए हैं, हम लोगों को भी उनको ज़रूरत है कि हम लोग उनको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, प्रिवेंट करें बाहरी चीज़ों से, और उसको हम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करें, ये नज़र में रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करें कि वो आने वाले स्थिति में हम लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।